Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, most merciful, most beneficent. I, Ghulam Hasan Peer, from Middle School Madhumadhav Zone Khumrial, going to deliver the second phase of my topic, Tobacco, the Silent Killer. Today's subtopic is uses of tobacco. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले हमने पहले वीडियो में जो इस लेसन का पहला फेज था, तो इसमें हमने तंबाकू पौधे के बारे में चंद बातें सीखी कि तंबाकू का जो पौधा है, इसका ओरिजिन कहां है और इसकी दरियाफ्त किसने की, इसकी दरियाफ्त कब हुई और इसका पौधा जो है कितना लंबा होता है, इसमें कितने पत्ते होते हैं, इससे कौन सी चीजें तैयार की जाती हैं, और इसके अलावा हमने और कुछ भी सीखा इसमें कि इसका जो धुआं है, इसमें तकरीबन 4000 केमिकल्स मौजूद होते हैं और इन 4000 केमिकल्स में तकरीबन 43 केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी जो कैंसर पैदा करने वाले होते हैं, और इसमें इसके धुएं में एक खास किस्म का कंपोनेंट मौजूद होता है जिसे हम निकोटीन कहते हैं। यानी निकोटीन इसमें मौजूद खास का एक मरकब होता है जो तंबाकू में मौजूद होता है। तो आज हमने इस सेकंड फेज में यूजेस ऑफ टबैको पढ़ने हैं कि ये तंबाकू जो है इसका इस्तेमाल किन चीजों में होता है। तो निकोटीन जो है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टबैको प्लांट, यानी निकोटीन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टबैको प्लांट इज यूज्ड इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, यानी ये म्यादे और आंतों की बीमारी यो में इस्तेमाल किया जाता था है। यानी इंसेक्टसाइड, कीड़े मार दवाई, यानी विच इज यूज्ड टू किल इंसेक्ट्स, ये इसका पहला इस्तेमाल है। और सेकंड वन, इट इज यूज्ड इन ऑयल पेंट एंड वार्निश इंडस्ट्रीज, यानी रंग साजी के कारखानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और थर्ड वन क्या इसका है, इट वॉज यूज्ड इन द पास्ट एज मेडिसन, पहले जमाने में इसको निकोटीन को बहसीती तंबाकू को बहसीती दवाई इस्तेमाल किया जाता था। किस चीज के लिए, फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, यानी म्यादे की बीमारी, आंतों की बीमारी, इन चीजों में इसका इस्तेमाल बहसीती दवा किया जाता था। यानी सेडेटिव ट्रीटमेंट, इसके लिए राहत के लिए सेडेटिव। यानी राहत बख्श,
यानी म्यादे की बीमारी में आराम के लिए, आंतों की बीमारी में को आराम देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। और चौथा क्या है इसमें, इसका इस्तेमाल क्या है, इट इज ऑल्सो ए वैल्यूएबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैनी विटामिन प्रिपरेशन। यानी जो विटामिन प्रिपरेशन होती थी इसमें ये एक अहम किरदार अदा करता है विटामिन प्रिपरेशन में, तंबाकू का एक अहम किरदार रहा। तो ये थे तंबाकू के इस्तेमाल। और आखिर में इसी पर में हमने आज एक सवाल भी सीखा, अगर हम देखेंगे गौर से हम इस किताब को पढ़ेंगे तो हमने एक क्वेश्चन भी इसमें रेज होता है, इसमें एक सवाल भी बन जाता है। मैं कोशिश करूं कि वो क्वेश्चन जो है वो मैं इस बोर्ड पे लिखूं ताकि बच्चे जब इस वीडियो के देखेंगे तो वो जरूर जो ये क्वेश्चन मैं यहाँ इस बोर्ड पे लिखूंगा वो अपने कॉपी पे वो लिखेंगे ताकि वो इनको आगे भी जरूरत आएगा। इन्हें क्वेश्चन है जो यहाँ पे बनता है वो है लिस्ट सम यूजेज ऑफ टबैको। जो इसमें हम मैंने क्वेश्चन एक निकाला, लिस्ट सम यूजेज ऑफ टबैको। तंबाकू के कुछ इस्तेमाल, चूंकि हमने यहां दो चार इस्तेमाल इसके पढ़े हैं, इसके यूज हमने पढ़े हैं, शायद अगर समझ में आया होगा बच्चों को वो तो लिखने के बगैर भी वो किताब देखकर ही वो सवाल लिख सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं, तब भी इनकी आसानी के लिए मैं यहाँ ये बोर्ड पे लिखूंगा ताकि उनको लिखना आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन है लिस्ट सम यूजेस ऑफ टबैको, तो इसका आंसर क्या यहां पे मैं लिखूं, निकोटीन निकोटीन डिराइवड फ्रॉम टोबैको leaves, nicotine derived from tobacco leaves is used as insecticides. It is used for illumination in oil paint, and varnish industries. It is also used in medicines. यानी सवाल जो मैंने यहां पे लिखा, लिस्ट सम यूजेस ऑफ टबैको, तो इसका आंसर यूं है,
निकोटीन डिराइव्ड फ्रॉम टोबैको लीव्स इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स फुल स्टॉप। इट इज यूज्ड फॉर इल्यूमिनेशन इन ऑयल पेंट एंड वार्निश इंडस्ट्रीज। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसन। ये एक सवाल जो आज हमने सीखा आज के इस सब टॉपिक में, तो मैंने यहां इसको बोर्ड पे लिखा ताकि बच्चों को वीडियो देखते वक्त इसमें आसानी पैदा होगी, ताकि वो इस सवाल को अपने टेक्स्ट कोई किताब पे या कॉपी पे लिख सकेंगे। शुक्रिया।